आज प्रदेश युवा कांग्रेस के आह्वान पर जिला युवा कांग्रेस निवाड़ी के जिला अध्यक्ष रत्नेश द्विवेदी ने पूरी जिला की युवा एवं वरिष्ठ कांग्रेसियों सहित निवाड़ी मुख्य बाजार में स्थित गांधी चबूतरा पर व्यापम घोटाला 2.0 बेरोजगारी और बेतहाशा महंगाई के विरोध में धरना दिया। मोदी जी यह बता दे रहे सरसों का तेल भी यूक्रेन से मंगा रहे। 2014 के बाद से हमारे माननीय मोदी जी ने एक भी कॉलेज नहीं खोल पाए। आज 25,000 हमारे युवा यूक्रेन रूस की लड़ाई में फंस के रह गया था, उसको भी एक हफ्ते बाद वहां से लेके आए हैं और बोलते हैं कि विदेश में डन का बजरा मोदी जी के नाम का, डन का ये बजरा मोदी जी के नाम का कि आज हम भुखमरी में पाकिस्तान और बांग्लादेश नेपाल से भी नीचे हैं, ये डन का बजरा मोदी जी के नाम का। शर्म करो मोदी जी, अगर मेरी आवाज पत्रकार भाइयों के सबके द्वारा मुख्यमंत्री मोदी जी हमारे कुछ दूरी पे बैठे हुए हमारे नगर के विधायक हमारी विधानसभा के विधायक अगर ये पहुंचा सके आवाज तो शर्म आना चाहिए इन सबको कि कम से कम जिन जनता के लिए ये बनते हैं कि हम जनता का सेवक है जनता के सेवक है तो लानत है ऐसे सेवक पे जो अपनी जनता का बिल्कुल ख्याल रख सके। जैसे सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में 52 जिले हैं, 52 जिलों में निवाड़ी का नाम निवाड़ी जिला नहीं होना चाहिए, इसको घोटाला जिला घोषित कर देना चाहिए। हमारे यहाँ 33 करोड़ का सरकारी 1 रुपए की जो राशन है उस हिसाब से 33 करोड़ का यहाँ घोटाला हुआ है। अगर इसको डिवाइड किया जाए तो 135 करोड़ का घोटाला है, ये व्यापम घोटाले से कम नहीं है। 135 करोड़ का घोटाला केवल सोसाइटी में है, इसके बाद अभी अभी जनपद में भी घोटाला हुआ है, बीआरसी में 9 करोड़ के ऊपर का घोटाला है। तो निवाड़ी जिला को माननीय मुख्यमंत्री जी कल आए थे, हमारी यहाँ के विधायक अनिल जी से विनम्र अनुरोध है कि निवाड़ी जिले का नाम जिला निवाड़ी हटा के जिला घोटाला कर दे, वो ज्यादा अच्छा रहेगा, जिसमें पूरे देश प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में भी हमारा नाम ऊंचा हो कि भैया हमारे जैन साहब ने निवाड़ी जिला बनाया था उसके बाद घोटाला जिला बनाने में इनने कसर नहीं छोड़ी। यही सब बातों के साथ अपनी बारे में बयान देता हूँ, कहना तो बहुत कुछ है भैया। हम केवल महंगाई हमारे घर में नहीं है कि हम कांग्रेस में है तो हमारे घर में है, जितने लोग बाजार में बैठे हैं, जितने हमारे नगर में है विधानसभा में है, जितने लोग यहाँ आते हैं, महंगाई तो भैया 3 रुपया लीटर हमें मिल रहा है, 3 उन्हें मिल रहा है। हमारी मोटरसाइकिल 50 को एवरेज दे रही तो उनकी 50 को दे रही होती है, हमारी में 117 रुपए कर रहा हूँ लीटर पेट्रोल तो उनके में भी कर रहा हूँ। लेकिन आगे में कश्ती से होते हमारे जैन साहब न देख रहे हैं और जैन साहब के जो खास लोग हैं मेरा देख ले रहे भैया जी और ऐसे आते अब इनके काम नहीं करने, जो अतिक्रमण में है तो जो स्वयं से फूट न जाए चार फुट।